डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे, फाइन होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है और मौसम देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सामने पे आप देख सकते हैं और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है सामने का। और आजकल क्या हो रहा है कि शाम के टाइम पे भी खूब बारिश हो रही है, और लेकिन सामने पे आप व्यू देखेंगे ना तो आपको ऊपर तो ऐसा लगेगा बादल से लगे हुए और बीच बीच में धूप है, तो ये नज़ारा कुछ अलग सा ही है। ऐसा तो मुझे लग रहा है शायद पहले कभी मैंने तो पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी शायद पता नहीं देखा है नहीं देखा है। तो ऐसा देखा है आपने कि ऊपर बारिश वाला मौसम हो रहा है नीचे और बीच बीच में फिर धूप और फिर नीचे फिर बादल से लगे हुए हैं। और मम्मी जी है वहाँ पे, क्योंकि आजकल मम्मी और अक्कू की चल रही है बातचीत चल रही है। तो अभी शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और अभी आप देखेंगे ना तो हल्का सा वहाँ पे आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। अभी हमने थोड़ा सा मैंने क्लिप में कैप्चर किया है, लेकिन अभी हल्का हल्का होने लग गया ना तो इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो इंद्रधनुष भी पड़ा था सामने पे, और इंद्रधनुष पड़ने का कोई रीज़न होता है, चलिए क्या रीज़न होता है देखते हैं। पतिदेव क्या कर रहे हैं नीचे देखते हैं, और नीचे वाले रूम में चलते हैं। क्या कर रहे हो आप? अच्छा बताओ, इंद्रधनुष पड़ने का क्या रीजन होता है? वहाँ पे इंद्रधनुष पड़ा है थोड़ा। रीजन यही होता है कि बारिश आने वाली है, तभी इंद्रधनुष तभी पड़ता है यहाँ पे। उस साइड में बहुत भयंकर बारिश होती है। और ये देखिए, यहाँ पे हमने जब रूम वहाँ पे किचन सेट करा था ना, तो यहाँ पे हमने आलू रख दिए थे, और ये हमारे घर के ही आलू, अपनी खेती के आलू थे, तो अब ये भी खत्म होने वाले, थोड़े बहुत बचे हुए। आप क्या कर रहे हो? आलू का सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है। और भैंस हमारी यहाँ पे अभी आराम कर रही, खूब घास खा लिया है भैंस ने, और भैंस को ब्याने के लिए थोड़ा बहुत टाइम रह गया है। मतलब मुझे लग रहा है एक महीना नहीं, 20 दिन, लगभग 20 दिन रह गए हैं, लेकिन भाई कोई फिक्स नहीं होता। और 11 महीने में भैंस भी आती है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो जाता तो अब देखते हैं कितना टाइम लेती है। 11 महीने में देखो ऊपर से गुड्डी भी बोल रही है, गुड्डी आपको दिखाई दे रही होगी वहाँ से, गुड्डी कह रही है 11 महीने है ना गुड्डी, 11 महीना माना। और गुड्डी के भैया कह रहे हैं 9 महीने में, अपने भैया को समझा दे। तो गुड्डी ऊपर से आवाज आ रही है, गुड्डी के अभी भैया को समझाती हूँ। और यार ये टूट गया इधर, क्या टूटा कैसे? और ये देखिए, इसमें हम रखते हैं भैंस के पास, जैसे मच्छर वच्छर हो जाते हैं ना तो उसको जला देते हैं, और इसमें धुआं आ जाता है तो मच्छर भाग जाते हैं। तो जब हम भैंस को बाहर निकालते हैं, उससे पहले आजकल हम यही काम कर रहे हैं, भैंस को बाहर निकालने से पहले इसको जला देते हैं, फिर धुआं आ जाता है तो भैंस को थोड़ा सा मतलब मच्छर वगैरह कम आते हैं, वरना बहुत परेशान कर देते हमारी भैंस को मच्छर, है ना। क्या हुआ? अब मैं थोड़ा कम डरने लगी हूँ भैंस से, इसलिए हाथ से छोटी ना, इसमें मैं ख्याल रख रहे हो। और अभी इनको मम्मी जी ने कुछ काम दिया है, क्योंकि जो हमारी कोदाल वोदाल थी हर बात पे कोदाल वोदाल, चक्की वक्की, झगड़े उगड़े, ये एक आदत होती है यार किसी की बोलने की यार। तो मम्मी जी ने इनको कोदाल का काम दिया हुआ है, तो जैसे कि हमारी कोदाल थी ना, और उसका जो बेंडू होता है वो टूट गया है, खराब हो रहे कुछ, तो उनको बेंडू बनाने के लिए दिया हुआ है मम्मी ने। चलो मैं दिखाती हूँ अभी क्या करना है। क्या दिखाना है बेटा? तो ये है बसली, और इससे क्या कर रहा हूँ बताओ जरा, इसको इसमें धार लगा रहा हूँ थोड़ा। क्या है? तो चलिए, जब तक ये कुछ और काम कर रहे हैं, तब ये तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देती हूँ। जैसे कि अब बेल काफ़ी बड़ी बड़ी होने लग गई हैं, और ये वाली यहाँ पे है चचिंडे की बेल, और ये देखिए कि यहाँ नीचे से काफ़ी ऊपर, यहाँ ऊपर तक पहुँच गई है, और अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं जी झिगड़े लगाए हुए हमें, तो काफ़ी ऊपर तक पहुँच गई है। आप क्या छेड़ रहे हो? क्या क्या लाए थे? शायद मैंने उधर फेंका यार, नीचे देखना। और ये वाली है खीरे की बेल, उधर बहुत सारी खीरे की बेल है, और इस बार पता है खीरे की बेल हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है,
क्योंकि पिछली बार यहीं पे थी और जैसे कि खीरे लग रहे थे, बंदर आ जाते हैं, जैसे खीरे पक जाते हैं जब वो पीले से हो जाते हैं तो बंदर आए, बंदर ने जैसे खाया होगा तो कुछ बीज नीचे गिर गए, कुछ वहाँ गिर गए और तरीके से, और फिर काफ़ी जगह, काफ़ी सारी जगह मतलब खीरे की बेल हो गई है और बाकी मक्की भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। ये आप देख सकते हैं मक्की भी खूब बड़ी बड़ी हो गई है। और व्यू दिखाती हूँ मैं भी आपको पीछे। और ये आपको इंद्रधनुष थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा दिखाई दे रहा है और हो मे भी पूरा होगा, लेकिन जैसे कि बादल लगे हुए आप देख सकते हैं तो बादल के बीच में पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। और मैं वहाँ सामने की बात कर रही थी कि देखो ऊपर लगे हुए हैं बादल और वहाँ पे हल्की हल्की वहाँ पे बारिश, मतलब बारिश जैसा वहाँ पे मौसम हो रहा है, फिर बीच में यहाँ पे धूप लग रही है और फिर यहाँ नीचे छाया हो रही है, तो एक अलग सा व्यू है ये। अक्कू आप क्या कर रहे हो? घास ले रहे भैंस की? नहीं, ये देखो आपको घास निकाल ली भैंस के लिए। ये आपको किसने दी दत्ती? ये दत्ती मैंने अपने के लिए रखी थी। अच्छा, मैंने भैंस के लिए घास ली। चलो ये देखो आपको घास निकाल के ला रही है और फिर भैंस को दे रही है। और कितना सारा घास लेके आती है आपको भैंस के लिए, है ना? दूसरा अभी और डाल, घास डालते हैं भैंस के पास। आपको नहीं, यहाँ से डालेंगे बेटा, यहाँ है घास। ये हमने यहाँ पे रखी हुई थी मक्की, जैसे कि आजकल हो रही है ना खेतों में तो ये, और जैसे घनी हो जाती है। मुझे छोटा, हाँ हाँ आप ले जाओ, लो ये ले जाओ, ये डालना। आप रुको एक मिनट, हाँ अक्कू को बहुत शौक हो रहा है भैंस के पास घास डालने का। डालो डालो डालो, अरे वहाँ का डाला आपने, यहाँ पे डालना था ना बेटा। ये अक्कू ने यहाँ डाल दिया। तो ये मक्की है, जैसे खेतों में बहुत ज्यादा घनी हो रही है तो उसको निकाल के फिर हम भैंस के लिए लेके आ रहे हैं। इसको पे ये लग गए अपने काम पे, इसका बना रहे हो ना बिंडू पकड़ने वाला कुदाल के लिए। ये आपने सीखा हुआ है काम, ये मतलब अपने आप से कर लेते अपने दिमाग से? बताओ कुछ इसमें सीखना क्या है? क्यों, पता भी तो होना चाहिए किस तरीके से बनाना है। ये सीखा था बचपन में, 6 साल का कोर्स कर रखा मैंने इसका। इस साइड से ही है ना, इस साइड है ना। ये काफी ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है तुम्हें क्या? ठीक है वो ज्यादा नहीं, पकड़ने के लिए काफी पतला सा होना चाहिए ना, ऐसे तो हाथ दर्द नहीं करेगा। पतला करना है? हाँ पतला करो उसे। अक्कू हट जाओ, पापा काम कर रहे हैं ना, आपकी लग जाएगा बेटा। तुम मम्मा मैं क्या करना, किसका काम करूं? क्या करूं? मैं किसका काम करूं? क्या काम करना आपको? मुझे उसका काम करना। आपकी बस की नहीं है ना काम, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं काम। ये मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ उसको। अच्छा सा बना रहा हूँ। ये जो तैयार कर रहे हैं ना, कह रहे हैं ये मेरे लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हम खेतों में गुड़ाई करते हैं तो उस टाइम के लिए, और गुड़ाई आजकल हो गई है बस, अब दोबारा से जैसे बारिश हो रही है आजकल तो कोदा झंगोरा जो है उसे हम जहाँ पे घना होगा उसको निकालेंगे और जहाँ पे बिल्कुल थोड़ा कम है वहाँ पे हम उसे लगाएंगे। तो उस तरीके से करना आप, और जब हम ये काम करेंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। देखो अक्कू की खुरापती, आप क्या, आप सब कहते हो ना कि अक्कू बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है ये, और देखो इसकी खुरापती क्या कर रही है यहाँ पे। क्या कर रही है अक्कू आप? ये देखो ठीक कर रही है, तोड़ रही है, ठीक कर रही है। गुस्सा ना बहुत ज्यादा आता है इस लड़की को, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। किसने तोड़ी है सीढ़ी? ये सीढ़ी खुद टूट गई। अच्छा देखो आपके यहाँ पे भी टूट जाती है सीढ़ी, अक्कू ने तोड़ी है ना ये, पापा बता रहे हैं आपने तोड़ी है ये। नहीं,
फिर अपने आप टूट गई। हाँ, मैं आप टूटी, मैंने नहीं ढूंढी। अच्छा, तो अपना काम कर ही रहे हैं और मैं अभी चलती हूँ। और अभी पता चला जैसे कि मौसम खराब होता है तो यहाँ तो एक ही सीन है, जैसे कि हल्की सी हवा चली या बारिश वाला मौसम हुआ, और बारिश हुई तो खैर लाइट आती ही नहीं है, वो तो हम चलो मानते हैं, लेकिन जब मौसम ख़राब है और हल्की सी हवा चल रही है यार, फिर भी लाइट काट देते हैं यार, कितनी प्रॉब्लम होती है। और अभी मैं अंदर जा रही हूँ रूम में, और वैसे भी हम इस यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो वहाँ वैसे भी अंधेरा ही है और लाइट ऊपर से चली गई है। तो मैं अब सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो सब्जी कट करनी है, सब्जी बनानी है, और फिर मैं अगर जैसे लाइट आ जाती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और फिलहाल तो वहाँ अंदर शूट हो भी नहीं पाएगा, वरना मैं आपके साथ शेयर करती, लेकिन शूट हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइट जा चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में।